डेप्टी स्पीकर की रूलिंग और कौमी असेंबली की तहलील गैर आइनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी। सदर आरिफ अलवी का इकदाम और नए इंतखाबात का हुक्म भी कलअदम करार, पांच रुकनी बेंच का मुतफिक का फैसला आ गया। अदालत का 9 अप्रैल को तरीके कदम इतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म, किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। वोटिंग कराए बगैर असेंबली का इजलास मुलतवी न किया जाए, अदम इतमाद कामयाब हो गई तो नया वज़ीरे आज़म मुंतखब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर नून लीग और इत्तेहादियों का जश्न, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी का मुजाहरा। मुल्तान रहीम खान बुरेवाला, कोटद्दू, लैया, अलीपुर और खानीवाल में लीगी कारकुनान खुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती, मियांवाली में खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, बताफील चौक पर ट्रैफिक रोक कर रोड ब्लॉक कर दिया। इमरान खान जिंदाबाद के नारे, कहते हैं इमरान खान के साथ साथ हैं और साथ ही रहेंगे। मुल्क में बैरूनी साजिश को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आईन और कानून की बालादस्ती पर पूरी कौम को मुबारकबाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवामी उमंगों का तर्जुमान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का ट्वीट, लिखा इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालने में कलीदी किरदार अदा करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक कदम इतमाद जमा, अपोजिशन ने स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब को तहरीक जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि परवेज इलाही पर ऐवान की अक्सरियत का इतमाद नहीं रहा, पंजाब के मामलात आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे। पंजाब कौन संभालेगा, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी बहरान का शिकार। पंजाब असेंबली के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, असेंबली के तरफ 500 मीटर तक दफा 144 नाफिस, मीडिया रखने असेंबली को दाखिल से रोक दिया गया, डेप्टी स्पीकर भी असेंबली के दरवाजे बंद। राष्ट्रीय बहरान ने रुपए की कदर को किया हल्का, डॉलर की कीमत इतनी बड़ी कि छूने लगी आसमान, इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा, मुल्क की तारीख में पहली बार बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, डॉलर की कीमत 188 रुपए 18 पैसे पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद का बड़ा बम गिरा दिया, एक ही झटके में बुनियादी शरह सूद में 2.5% इजाफा, नई शरह सूद 12.25% हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामे इजलास में फैसला। आम आदमी को पड़ी महंगाई की मार, महंगी सब्जियों ने घर का बजट दिया बेकार, लीमो की ट्रिपल सेंचुरी, कीमत 320 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची, देसी लीमू ने चाइना लीमू को भी पीछे छोड़ दिया, 720 रुपए प्रति किलो तक पर उतरने लगा, केला भी 200 रुपए प्रति दर्जन में बिकने लगा, तरबूज की कीमत 200 से 250 रुपए तक जा पहुंची, मुख्तलिफ अकसाम की खजूर की कीमत में भी 150 रुपए तक का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम ही रह गया, कोटद्दू के यूटिलिटी स्टोर्स सब्सिडाइज्ड घी से महरूम, सस्ते घी के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने पर मजबूर, स्टोर इंसान ने 200 किलो घी का कोटा शहर के लिए नाकाफी करार दे दिया, हुकूमत से कोटा बढ़ाने का मुतालबा।
14 बोरिया का इतनी बड़ी आबादी के लिए नाकाफी। मुजफ्फरगढ़ का रमजान बाजार आवाम को करने लगा खार। आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें। शहरियों का हुकाम से कोटे में इजाफे का मुतालबा। उधर विलायताबाद मुल्तान बाजार में शहरियों का जमे वफीर। आटे और चीनी के लिए लंबी कतारें। शहर प्रमोश का मैार बेहतर न होने पर शहरी शिकवा होना। गंदम की कटाई भी आटे की कीमत में तब्दीली ना लाई। मुल्तान में चक्की मालिकान ने गंदम महंगी मिलने पर आटा मजीद महंगा करने का अंदेशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानब रेगिस्तान में चक्की का आटा ताहाल 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल्स ने भी सरकारी कोटा बंद होने पर आटा महंगा करने का कह दिया। गंदम के कंट्रोल पर अगर गंदम को इन्होंने सही तरीके से बैलेंस रखा और गंदम नहा गई तो ये असल में जो यानी कि ब्रोकर जो हजरात होते हैं ना ये उन पे डिपेंड करता है। अब आप देख लें कोई चीज़ मसाज दे रहा हूँ टमाटर पे देख लें वही टमाटर 60 होता है वही टमाटर 100 पे चला जाता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये स्टोरों में जाता है वहाँ से वो महंगा हो जाता है। गंदम के रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है आटा भी बढ़ेगा लेकिन खुशकिस्मत यह मुल्क हमारा खुद गंदम के खुद कफील है उसके बावजूद हमें गंदम महंगी खरीदनी पड़ रही है ये हुक्मरान को सोचना चाहिए। सब्जी मंडी का मुल्तान का दूसरा नाम मसालिस्तान। जाबजा गंदगी के ढेर और सफाई के नाकिस इंतजाम। तजावजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाबरूप रोड ने बीच चौराहे रेड़ियां खड़े लगा लिए। मुसाफिरों और दादरों के मार्केट कमेटी से किले शिकवे। नवाबपुर रोड मुल्तान के मसाइल से जाने कब छूटेगी जान। सिवरेज लाइन मनसूबा सुतरवी का शिकार। रोही की खबर एम डी वासा कैफ रजा को ख्याल आ ही गया। सिवरेज लाइन के काम जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। के नहली या वजह कुछ और। चमन शाह साफ पानी मनसूबा तबाहाली का शिकार। 2013 में शुरू होने वाला 1.5 करोड़ मालिक का प्रोजेक्ट ताहाल फाल न हो सका। लाखों मालिक की मशीनरी और कीमती सामान चोरी। आलूदा पानी पीने से शहरी बीमार पड़ने लगा। छुट्टा मामूली रोड शहरियों के लिए बना बबारे जान। 5 रोज से खड़े सिविर सदा पानी ने किया परेशान। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किल। इंतजामियों से सिविल सिस्टम बहाल करने का मुतालबा। भावलपुर इस्लामी कॉलोनी रोड की नाकिस तामीर शहरियों के लिए दर्जे सर पर गई। ठेकेदार की करप्शन से सिविल सिस्टम फेल हो गया। ठेकेदार रोड की तामीर अधूरी छोड़कर फरार। इंतजामिया और शहरी परेशान। तरक्याती काम ने लगाया शहरियों को नजला जुकाम। मियांवाली में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वाले जान बन गए। शहर भर की सड़कें उखाड़ दी गईं। धूल और मिट्टी से शहरियों को सांस की बीमारियां लगने का खदशा। शहरियों का इंतजामियों से मसाइल के सदबाब का मुतालबा। की गाड़ियों पर एडवोकेट्स के नंबर प्लेट लगाने पर पाबंदी। पंजाब बार का वकला को गाड़ियों पर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स ना लगाने का हुक्म। गाड़ियों पर असल नंबर प्लेट्स लगाने की हिदायत। 30 अप्रैल तक गाड़ियों से ममनुआ नंबर प्लेट्स हटाने का हुक्म। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतजा दे दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज। डीसी खानीवाल ने बारदाने की तकसीम का इफ्तिताह किया। खानीवाल के लिए 2,30,000 मेट्रिक टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर। डीजी खानवीन में भी 44 खरीदारी मराकज के लिए 5,90,000 मेट्रिक टन का हदफ मुकर्रर। डिप्टी डायरेक्टर फूड कयूम कुदरत की रोही से गुफ्तगू। कहा कि किसानों को 1,29,000 मेट्रिक टन बारदाना जारी किया जा चुका। मुल्तान में इफ्तारी के बाद इंडोर क्रिकेट खेलने के रुझान में इजाफा। नौजवान का कहना है कि रमजान मुबारक में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बजाय क्रिकेट को पॉकेट देते हैं। खेलने से इंसान फ्रेश और तंदुरुस्त रहता है।